बेनीगंज थाना क्षेत्र के कौथाबा कस्बे में ब्लॉक मुख्यालय के सामने अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक बालाजी अस्पताल के नाम से आज सीज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से अवैध क्लिनिक चलाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान को आज भारी सफलता हासिल हुई है। जांच टीम क्लिनिक पहुंचते ही सभी फरार हो गए। एक मरीज का इलाज करते हुए मौके पर मिला है। इंजेक्शन दवाइयां भी बरामद की गई। इससे पूर्व में भी क्षेत्र के अवैध क्लिनिक सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य टीम में नोडल अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया और ये छापेमारी की कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर विपुल वर्मा समेत काफ़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि कुछ दिन पूर्व बेनीगंज के भुसौरी पूर्वा में भी एक महिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के द्वारा ही अवैध क्लिनिक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखना यह है कि सरकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार क्या ऐसे लोगों का सहयोग करके चलवा रहे हैं, जबकि कौथावा सीएससी में निःशुल्क सभी सुविधाएं हर मरीज को मिलती है और समुचित इलाज भी मिल रहा है, जिससे इस सीएससी से कोई भी मरीज नाखुश होता है और कोई भी गुमराह होने पर मरीज प्राइवेट क्लिनिकों में जाने के लिए सीपट करने पर स्वास्थ्य विभाग मजबूर कर देता है। बड़ी खबर के साथ हरदोई से जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।